स्वागत करें। खुशी इस बात की है कि मिकी का जन्म अल्मोड़ा से हुआ है और अब वो पूरी दुनिया भर में उन्होंने एक नाम कमा रखा है। मुझे यहाँ अल्मोड़े में रहे करीब 30-35 साल हो गए हैं और यहाँ एक मैं निरंतर डिस्कशन सुनता हूँ लड़के लड़कियों में, परिवारों में और समाज में, कि यहाँ का लड़का या लड़की उसको यहाँ रहना चाहिए या बाहर जाना चाहिए। ये पलायन का मुद्दा भी एक है और एक जैसे यहाँ पर कहते हैं कि पहाड़ की का पानी और पहाड़ का जवानी, कि जवानी यहीं रहे, ये बहुत डिबेट चलती है। लेकिन इसमें यह हो जाता है कि बहुत सारे लोगों की जिंदगी इसी डिबेट में निकल जाती है। मुक्तेश, जिसको मिकी से भी के नाम से जानते हैं, आपका जन्म 1954 में अल्मोड़ा में हुआ। आपकी माता गौरापंत शिवानी हिंदी की सुप्रसिद्ध साहित्यकार कथाकार थीं। पिताजी सुखदेव जी शिक्षा विभाग में थे, अल्मोड़ा में DIS रहे, नैनीताल में भी वे कार्यरत थे। आपकी स्कूली शिक्षा नैनीताल में हुई, IIT कानपुर से केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी, करियर की शुरुआत हिंदुस्तान लीवर में मैनेजमेंट ट्रेनी के तौर पर की और वैश्विक स्तर पर एक के बाद एक निरंतर नई ऊंचाइयों को छुआ। पेप्सिको, रीबॉक इंटरनेशनल, यम ब्रांड्स जैसी प्रतिष्ठित बहुराष्ट्रीय कंपनियों में आपने महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है। मुक्तेश जी रीबॉक इंटरनेशनल के ग्लोबल चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, टैको बेल इंटरनेशनल के प्रेसिडेंट, यम रेस्टोरेंट्स इंटरनेशनल और KFC के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रहे हैं। यम ब्रांड्स के 140 देशों में पिज्जा हट व KFC जैसे सुपरिचित नामों से 35,000 से अधिक रेस्टोरेंट हैं। आपने भारत, इंग्लैंड, USA और चीन में रहकर कार्य किया है। इनके अलावा विश्व के सभी हिस्सों में व्यवसाय की निगरानी की है। एक अग्रणी अमेरिकी कंपनी यम चाइना होल्डिंग्स के CEO के तौर पर आपको हाल ही में 3 साल चीन में रहने का अवसर मिला। आपने तिब्बत और जिनजियान उद्गर स्वायत्त क्षेत्र सहित चीन में बड़े पैमाने पर यात्राएं की और वहाँ की संस्कृति तथा आर्थिक विकास, खास तौर पर बुनियादी ढांचे, जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम कहते हैं, के विकास के बारे में जानकारी व समझ विकसित थी। अब चीन हमारा यहीं से तिब्बत चीन तो पड़ोसी हुआ और यहाँ से पुराने जमाने में भी बहुत ट्रेड वगैरह होता था। अभी भी कैलाश यात्रा में लोग यहाँ से जाते हैं, तो यहाँ से तिब्बत, यहाँ से रास्ता एक तरह का है, वहाँ से रास्ता दूसरे तरह का है। तो जब आपने यहाँ ये व्याख्यान देने को की स्वीकृति एकदम सहज तरीके से दी, तो आपने कहा कि मैं इस विषय पर बात करूँगा कि मुझे यहाँ अल्मोड़ा वगैरह की भी बहुत याद है और जो वहाँ देखा है कि इसमें क्या 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 है। इस प्रकार मुक्तेश जी ने अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय के बारे में एक अद्भुत समझ विकसित की है और अग्रणी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आप बतौर सलाहकार दुनिया भर में, विशेषकर चीन में, कारोबार करने के बारे में मार्गदर्शन किया है। आप वर्तमान में यम चाइना के उपाध्यक्ष और वरिष्ठ सलाहकार होने के साथ पिनिकल फूड्स के एक स्वतंत्र निदेशक हैं। यम फूड हम लोग ऐसे शायद यहाँ ना जानते हैं, लेकिन ये KFC, पिज्जा हट वगैरह तो सबने देख, ये सब उस कंपनी के नीचे
के अंतर्गत आते हैं। आपको दो बार विज्ञापन क्षेत्र का सर्वोच्च सम्मान गोल्डन लायन अवार्ड कैंस फ्रांस का मिला है। आईआईटी कानपुर ने डिस्टिंग्विश्ड एलुमनाई अवार्ड प्रदान किया है। साथ ही संस्थान की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर 2010 में अग्रणी 50 छात्रों में आपको चुना गया है। तो लोग कानपुर आईआईटी और तथा विदेश में भी आपको आपकी प्रतिभा को तो समझे हैं और आपको सम्मानित भी किया है। ललित जी, अनुराधा और सुमन दुबे जी और बाकी जितने यहाँ पर सेवानिधि के अध्यक्ष हैं, अफसर हैं, उन सब से मैं पहले अपना थैंक यू बोलूँगा। मैं शुरू में श्री वीडी पांडे के बारे में कुछ कहना चाहता था, क्योंकि श्री पांडे से बचपन से ही हमारा सौभाग्य रहा उनसे संपर्क रखने का। और दो स्मृतियाँ खासकर स्पष्ट हैं। पहली है जब मैं हिंदुस्तान लीवर में मैंने नौकरी शुरू ही करी थी, 1976 की बात है, और मैं मद्रास में था, अब चेन्नई कहना चाहिए हम मुझे अभी भी मद्रास कहने की आदत है, तो चेन्नई में था मैं मैनेजमेंट ट्रेनिंग, और उनको खबर लगी, वो आ रहे थे मद्रास, कोई बैंक की मीटिंग थी, उसमें वो मुख्य अतिथि थे, तो उन्होंने मुझे इतला की कि आप मुझसे मिलने आइए करके, तो मैं काफ़ी घबरा गया उस समय वो सोचिए कैबिनेट सचिव थे, मतलब भारतीय सिविल सर्विस के सर्वोच्च पदाधिकारी थे, और मैं मैनेजमेंट ट्रेनिंग था, तो मैं चोला होटल था नंगम्बाखा मद्रास, वहाँ पहुँचा, लेकिन मुझे वहाँ खटखटाने में थोड़ी डर लगी क्योंकि आपको याद होगा उनकी आवाज़ काफ़ी बुलंद थी, और जब वो अंदर से आवाज़ आ रही थी उनकी, तो फिर मैंने जरा कान लगाया तो अंदाज लगाया कि मैंने कि वो अपने लेक्चर का रिहर्सल कर रहे हैं। खैर मैंने खटखटाया, लेकिन उसके बाद कोई डर या शंका की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उन्होंने इतने प्रेम से मुझे बिठाया अपने पास, बहुत बड़ा कमरा था मुझे याद है, और जब उनके सवाल के जवाब में मैंने बताया कि मैं आंध्र प्रदेश में मैनेजर बनने वाला हूं, तो उन्होंने आंध्र के बारे में मुझे बहुत बहुत उपयोगी जानकारी दी। तब वो सब जानते थे रायलसीमा, तेलंगाना, कोस्टल आंध्र के बारे में, वहाँ का इतिहास, भूगोल, वहाँ की सियासी हालत, तो मेरे ख्याल से करीब घंटा भर वो बैठे और फिर उन्होंने मुझे आशीर्वाद दे के भेजा, तो वही आशीर्वाद लगे हम सबको। दूसरी स्मृति है उसके करीब 10 बरस बाद, तो मैं बम्बई में था और हिंदुस्तान लीवर में ही था, और मुझे याद है कि तब पांडे साहब बंगाल के राज्यपाल थे, तो मैं एक अंग्रेज मैनेजर था वहाँ पर, काफ़ी सीनियर मैनेजर था, उसके साथ कमरे में बैठ के हमारी मीटिंग चल रही थी, तो वो अंग्रेज मैनेजर की सेक्रेटरी थी, काफ़ी छोटी सी पारसी, वो दौड़ती भी आए अंदर हाँपते हुए, और बड़ी ज़ोर से उसने कहा, मुक्तेश द गवर्नर ऑफ बंगाल वॉन्ट्स टू स्पीक विद यू, तो सब घबरा गए, वहाँ मैं भी घबरा गया, और खैर मैं गया, तो स्वयं फ़ोन पर थे, उनको खबर लग गई थी कि मैं कलकत्ते आ रहा हूँ, तो उन्होंने कहा कि तुम कलकत्ते आ रहे हो तो हमारे साथ ही रहना, तो मैं कलकत्ते उसके अगले हफ्ते जब गया, तो सरदार टैक्सी वाला था, एयरपोर्ट से मैं कहा राजभवन जाना है, तो उसने सोचा मैं टूरिस्ट हूँ तो ले गया मुझे, उसने वहाँ बाहर से कहा ये मैदान है, यहाँ पे विक्टोरिया मेमोरियल है, यहाँ पे कलकत्ते में पहले जब भारत की राजधानी होती तो लॉर्ड क्लाइव रहा करते थे, तो मैंने कहा यार मेन गेट में जाना, अंदर जाना है, तो उसने पहले तो मेरे से पैसे ले लिए सोचा मैं पागल हूँ। खैर हम पहुँचे तो दरबार ने वहाँ सलाम ठोक के हमको 6.5 फुट का दरबार था अंदर बुलाया, काफ़ी रात हो चुकी थी तो मैं सो गया, लेकिन सुबह मैंने उनसे काफ़ी देर जल्दी उठा देना करके, क्योंकि मुझे मन था देखने का। सुबह 6 बजे जब मैं तैयार होकर नीचे गया तो पांडे साहब तैयार थे, उन्होंने खुद मुझे राजभवन का पूरा टूर कराया, वहाँ पर उन्होंने दिखाया जहाँ पर लॉर्ड क्लाइव खड़े हुआ करते थे, क्योंकि तब वो भारत के विधाता थे समझिए, और वहाँ पर हॉल ऑफ सीजर्स था जहाँ पुरानी रोमन मूर्तियाँ बनी हुई थी। ये सब कहने का मकसद ये है कि इतने विद्वान, इतने विदुषी, इतने सीनियर आदमी एक नौसिखिए के साथ समय बिताकर कितना प्रेरित कर सकते हैं, ये सीख हमको तब से मिली है, और ये बड़ी काम की चीज़ है। तो जब ललित ने कहा कि इस व्याख्यान में आके बात कर रहे हैं, रंजन ने कहा, तो मुझे शुरू में बहुत झिझक हो रही थी, क्योंकि मैंने देखा पहले व्याख्यान किन हस्तियों ने दिया हुआ है, तो मैंने कहा मैं तो बिल्कुल लायक नहीं हूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा मैं चीन में रह चुका हूँ 3 बरस, चीन यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं, आप यहाँ से धारचूला चमोली से करीब 50 मिनट अगर सीधी लाइन बनाएं तो तिब्बत आ जाता है, तिब्बत और चीन का अभिन्न भाग है। तो मैंने कहा चीन में रहने से जो नज़रिया थोड़ा बदलता है उसके बारे में कुछ आपको बताऊं, तो ये मैं करूँगा। जैसा बताया कि मैं अल्मोड़ा का ही, मैं अल्मोड़ा पैदा कसून में पैदा हुआ, हमारी आमा थी वहाँ, हमारी नानी
वो कर्मठ थी और लेकिन जरा तेज तर्रार टाइप की थी। तो एक बार एक कहानी है जो रंजन भी मुझे सुना रहा था कि एक बार उन्होंने पंसारी के यहाँ से मिट्टी तेल मंगाया, तो नौकर मिट्टी तेल लेके आया। वो सोच रही थी कि बड़ा टीन में आएगा, वो छोटी बोतल में था, तो उन्होंने वो मिट्टी तेल लौटा दिया और उसके साथ एक चिट्ठी भेजी पंसारी को और एक माचिस की डिबिया भेजी और उसमें लिखा था यो तेल मिट्टी तेल में वापस लौट रही हूँ, यो कहें अपन खुआर में डाली। अल्मोड़ा से लगाव जितना है उतना आने का मौका नहीं मिलता, तो मैं बहुत खुश हूँ यहाँ आने के वजह से। तो व्याख्यान का विषय जैसा आप देख रहे हैं, भारत में चीन का बुनियादी ढांचा है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर, यू नो मैं ढूंढ रहा था कि उसको इंफ्रास्ट्रक्चर कहते क्या है, हिंदी में उसका सीधा अनुवाद है नहीं, कुछ लोग कह रहे थे आधारिक व्यवस्था, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब सड़कें, पानी, बिजली, स्कूल, हॉस्पिटल और शहरों का लेआउट। और चीन ने इस बारे में काफ़ी तरक्की जैसा आप जानते हैं करी है, उसके कुछ मैं आपको उदाहरण देता हूँ जिससे आपके बारे में आप सोच सकते हैं किस स्तर पर वो पहुँच गए हैं। पहला है कि चीन की शहरी आबादी जो है अर्बन जिसको कहते हैं वो 60% पर पहुंच गई है, 59.4, और हमसे ज़्यादा आबादी है उनकी, करीब 140 करोड़, और 1990 में वो 26% थी, 26 से वो 60% पर आ गई है। माने कि सोचिए करीब 500-600 करोड़ लोग, 50-60 करोड़ लोग गांव से शहर में आ गए। अब मैं देख रहा था अल्मोड़ा की आबादी कुल लगभग 30-35 हज़ार है, अल्मोड़ा क्षेत्र जिले की आबादी करीब 6 लाख है, यानी कि अल्मोड़ा जिले के जो मात्र 5% जो लोग हैं वो अल्मोड़ा शहर में रहते हैं। ये जरूर बढ़ेगी आबादी, इसमें आप लिख के रख सकते हैं कि अगले आने वाले दशक दो दशक में यहाँ की आबादी 30,000 से कम 1 लाख हो जाएगी। तो जो 70,000 आबादी बढ़ेगी वो कहाँ रहेंगे? अब औसत परिवार में अगर 4 लोग भी हों तो कम से कम 15,000 नए घर बनाने की ज़रूरत है। उसका प्रयोजन अगर नहीं किया गया तो घर वहाँ बनेंगे जहाँ आप अभी बैठे हुए हैं, ये तो हो गई, बिल्डर लेंगे, भाई लोगों को रहने की जगह है। अगर सब जगह नियंत्रण रहेगा और कहते हैं यहाँ नहीं बना सकते तो लोग फिर और तरीके से बनाएंगे। इसलिए ये सोचना जरूरी है कि ट्रैफिक, पानी, रहन सहन, इसका कैसे डेवलपमेंट होगा। और सब लोग ये मानते हैं कि भारत की अभी जो शहरी आबादी 35% पर है, क्योंकि 60 हमारी 35 है और बढ़ रही है हमारी बड़ी तेज़ी से, तो ये बड़ा बहुत बड़ा मामला है। कुछ उदाहरण मैं आपको चीन के बारे में दूं जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक तो रेल सिस्टम, अब भारत की रेल ट्रैक पुरानी है, चीन से भी पुरानी, पहले शुरू हो गई थी, और दोनों देशों में पूरी ट्रैक की लंबाई करीब बराबर है, करीब 1,10,000-1,30,000 किलोमीटर की, तो भारत में भी चीन में भी बराबर ही टोटल लेंथ है। लेकिन फ़र्क यह है कि वहाँ पर करीब 20 बरस पहले उन्होंने हाई स्पीड रेल बड़ी तेज़ी से बढ़ाया। शुरू में उन्होंने सारी आयात करी, जितनी वो सीमेंस वगैरह से हाई स्पीड रेलें मंगाई, और आज की तारीख में 1,15,000 मील जो टोटल लंबाई है, किलोमीटर जो टोटल लंबाई है, उसमें करीब 27,000 किलोमीटर हाई स्पीड रेल बन गई है, यानी सोचिए 25%। तो जो लंबी मार्ग की जो ट्रेनें हैं जैसे शंघाई से बीजिंग या हांगकांग से शंघाई, ये सब हाई स्पीड हो गई हैं। अच्छा, हाई स्पीड का मतलब वाकई हाई स्पीड, तो हम लोग उसमें अक्सर जाते थे, मिनीतोर में रहते थे वहाँ हम लोग, शंघाई से ये ना जैसे हंगजो हुआ या शुजो या इन जगहों में ट्रेन से जाते हैं वहाँ पे, तो उनकी औसत जो स्पीड है वो है 340 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम लोग यहाँ कोशिश अभी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं 160 किलोमीटर वाली ट्रेन का, जो अच्छी बात है, लेकिन आप सोचिए कि कहाँ वो पहुँच गए हैं। अच्छा, वहाँ शंघाई में एक ट्रेन है जो चलती है 430 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, तो वो शहर से एयरपोर्ट 8 मिनट पर पहुँचती है, और वजह यही है कि वो सीखना चाहते हैं कि किस हद तक इसको बढ़ा सकते हैं। अब उन्होंने हाल में कहा है कि हम 1,000 किलोमीटर प्रति घंटे की ट्रेन शुरू करना चाहते हैं, उसके लिए टनल चाहिए, यू नो, हाइपर लूप टेक्नोलॉजी वगैरह। और ये जो 27,000 किलोमीटर ट्रैक है ना, ये इसके पैरेलल बना हुआ है, मतलब पुरानी लाइनें लगी हुई हैं उसके बगल में उन्होंने नई लाइन लगा दी है, और वहाँ उसके स्टेशन भी अलग हैं। स्टेशन यहाँ के मतलब जैसे हमारे एयरपोर्ट होते हैं उस तरह के हैं, बहुत बढ़िया सुविधाएँ हैं। और इससे एक एक्चुअली बहुत ही बड़ा गहरा असर पड़ा हुआ है चीन की आर्थिक व्यवस्था पर, इसके बारे में आपको बताऊंगा बस एक मिनट में। ये कि चीन में एक सिस्टम है उसको कहते हैं हुको होता है, जैसे आपका शहर का पासपोर्ट, जैसे आप मान लीजिए अल्मोड़ा के, जैसे मैं अल्मोड़ा हूँ, मेरे पास अल्मोड़ा का हुको होगा। मैं नैनीताल में नौकरी नहीं कर सकता, अगर नैनीताल में नौकरी करनी है तो मुझे वहाँ से अप्रूवल चाहिए, और वो दे देते हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं देते, दे देते हैं। खासकर अगर नैनीताल जाना है, हल्द्वानी जाना है, लखनऊ जाना है, तो कोई मुश्किल नहीं आएगी। लेकिन आपको अगर दिल्ली जाना है या बम्बई जाना है या चाइना में शंघाई जाना है, तो हुको बहुत कंट्रोल करके रखते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि इस शहर की आबादी और बढ़ जाए,
अब सोचिए, अब चांगा की आबादी ऑलरेडी 28 मिलियन कितना हुआ, 3 करोड़ करीब हो गई है, उससे ज़्यादा वो नहीं बढ़ना देना चाहते। उसका नतीजा ये हो गया था कि शंघाई में लेबर की बहुत शॉर्टेज हो गई थी। हमारे भी जब रेस्टोरेंट खुलते थे, बाकी सामान तो आसान था, जैसे पिछले साल हमने वहाँ 700 रेस्टोरेंट खोले एक साल में, सोचिए रोज़ दो दो रेस्टोरेंट रोज़ खुल रहे हैं चीन में। उसके लिए मशीनें हैं, बनाना है, उसकी कंस्ट्रक्शन, सिविल कंस्ट्रक्शन, आर्किटेक्चर, ये तो आसानी से हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है रेस्टोरेंट चलाने के लिए 40-45 लोग चाहिए, बड़े रेस्टोरेंट होते हैं, तो लेबर की शॉर्टेज थी शंघाई में। तो चीन ने क्या कहा, ये सब प्लानिंग करके उन्होंने रखा हुआ था कि अगर आपका हुको वाला शहर हाई स्पीड रेल में 1 घंटे में तय हो सकता है, तो वो आपको वहाँ का हुको माना जाएगा। तो आप समझिए कि मान लीजिए जैसे आप शंघाई में रहते हैं और 300 किलोमीटर दूर आपका गांव है जहाँ पर आपका हुको है, तो आप शंघाई में काम कर सकते हैं। इससे पहले जब हम लोग को इंटरव्यू करते थे तो पहले हुको देखना होता था, लोग मिलते ही नहीं थे। आज की डेट पर और काफ़ी सस्ता उनका भाड़ा है, अगर सीजनल फेयर दें और लोग खुशी देते हैं, हम लोग भी देते हैं उनको, पूरा भाड़ा देते हैं क्योंकि हमको लेबर मिल जाती है। इससे क्या हो गया, शंघाई में सडनली लेबर आ गई, वो लोग सुबह आते हैं हाई स्पीड रेल से, 1-1.5 घंटा लगता है, इतना तो किसी शहर में भी लग जाता है आजकल, और 1.5 घंटे में शाम को वापस। तो ना शंघाई में प्रेशर पड़ता है आबादी का और ना ही शॉर्टेज होती लेबर की, इससे बहुत फ़र्क पड़ा है। ये हाई स्पीड रेल वहाँ पे कोई अहंकार से नहीं बनाया गया है, बड़ा प्रैक्टिकल उन्होंने स्टेप लिया है और उसको बढ़ाते जाएंगे। दूसरा है उनका, एक उदाहरण मैं देता हूँ आपको, जैसे आपको मालूम है दक्षिणी चीन में द्वीप हांगकांग है, हांगकांग जो अंग्रेजों ने, अंग्रेज भी बहुत मक्कार थे ना, उन्होंने यहाँ हिंदुस्तान से अफीम खरीदा और चीन में बेचा, वहाँ सब अफीम ची हो गए थे एक ज़माने में। फिर चिंग सरकार थी वहाँ पे, उसके खिलाफ उन्होंने लड़ाइयाँ भी लड़ी और फिर बिल्कुल बंदूक की नाली पर साइन करवाया कि 1897 से 1997 से 100 साल तक हांगकांग का निःशुल्क उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट ले लिया। वहाँ पे बिल्कुल आर्थिक स्थिति जो बिल्कुल बहुत उदारवादी आर्थिक उनकी पॉलिसी थी, और वहाँ पहला फ्री पोर्ट था हांगकांग, बहुत जल्दी डेवलप हो गया था उस समय पर। आज भी उन्होंने उसको 1997 से हांगकांग चीन का भाग हो गया, लेकिन फिर भी अब उसको थोड़ा अलग रखा उन्होंने, वहाँ पर थोड़ी मानवाधिकार भी ज़्यादा हैं, वहाँ पर उनका न्याय प्रणाली जो है वो यूके की है, तो अभी वो रफी चल रही है, वहाँ पर प्रेस का भी फ्रीडम है जो यहाँ चीन में तो बहुत कम है। तो हांगकांग को धीरे धीरे उन्होंने चीन से जोड़ दिया है, हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज बहुत बड़ी एक्सचेंज है, तब उन्होंने उसको कनेक्ट कर दिया शेंजन के साथ। लेकिन अचंभे की बात यह है कि हांगकांग और उसके पास शहर शेंजन, उसके पास द्वीप है मकाओ जो पोर्चुगल का कॉलोनी थी, उसके पास जुहाई, ये शहर जो हैं जिसकी औसत आबादी 55 मिलियन 5.5 करोड़ की है, यह अब एक शहर बन गया है। इसका एक अधिकारी है, एक प्रणाली है, तो सोचो उसको आप वो बे एरिया कहते हैं, पहले पर्ल रिवर डेल्टा कहते थे, और ये जिसको समझ लीजिए इकोनॉमिक इंजन बन गया चाइना का, यहाँ पर स्टॉक एक्सचेंज भी है, सारी मैन्युफैक्चरिंग होती है। पिछले महीने ट्रेन इनॉग्रेट हुई जो हांगकांग से शेंजन सीधे जा सकती है, पहले फेरी जाती थी वहाँ द्वीप समुद्र का बीच में, समुद्र के नीचे सुनाना खोज निकाला है उसको। तीसरा उदाहरण आपको देता हूँ, आपको पता होगा कि 2008 में बेजिंग में ओलंपिक गेम्स हुए थे, तो उसके लिए बेजिंग काफ़ी कार पलट हो गई थी, वहाँ पर इतनी भव्य बिल्डिंगें बनी थी, स्टेडियम बने थे, आपने देखे होंगे तब जो इनॉग्रेशन सेरेमनी हो गया, और उसके साथ उन्होंने एयरपोर्ट बनाया था जो कि दुनिया का सबसे आधुनिकतम एयरपोर्ट तब माना जाता था, अब एक दो और बन गए हैं, लेकिन अभी भी वो मेरे ख्याल से विश्व में सबसे अच्छे एयरपोर्ट में होगा। अब तो यहाँ भी बम्बई में बहुत बड़ा एयरपोर्ट बन गया है, दिल्ली का भी एयरपोर्ट अच्छा है, लेकिन बेजिंग का बहुत बड़ा एयरपोर्ट है। तो ये 2008 साल की बात है, 10 साल पहले की, लेकिन वो वहाँ रुके नहीं। अब अगले आने वाले 12 महीनों में उन्होंने एक नया एयरपोर्ट बनाया है बीजिंग में, एक जगह दाक्षिंग, तो बीजिंग का दूसरा एयरपोर्ट बन रहा है, जबकि पहला एयरपोर्ट काफ़ी है अभी के लिए। और दाक्षिंग एयरपोर्ट बनाने में जो उनको काम करना पड़ा उसके बारे में कुछ आंकड़े आपको दूँ कि वहाँ से करीब 20,000 लोग वहाँ पर किसान थे जिनको विस्थापित करना पड़ा, वो सदियों से वहाँ रहते थे, और उनको मुआवजा दिया गया, उनकी नुकसान की भरपाई की गई। और आपको बताता हूँ क्या क्या दिया गया, तो 20,000 परिवारों को, 20,000 लोगों को आप सोचिए, पहले तो उनको 500 स्क्वायर फुट का, 50 स्क्वायर मीटर का एक अपार्टमेंट दिया गया रहने के लिए ताकि वो कहीं जगह तो हो जाए। दूसरा उनको 1.5 लाख अमेरिकी डॉलर यानी कि लगभग 1 करोड़ रुपया, सब 1-1 करोड़ रुपया आप सोचिए, मतलब 20,000 करोड़ रुपए का खर्चा
सिर्फ विस्थापन में, और वो भी जो नकद मुआवजा था, उसके अलावा उन्होंने $300 पर मंथ यानी 20,000 रुपये महीना उनको और दिया। तो इससे क्या होता है कि जो जो बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, खासकर शहर में, अभी हीथरो में भी नहीं बन पा रहा है लंदन में, पॉलिसी वजह से, क्योंकि लोग वहाँ रहते हैं, कैसे हटा लेंगे आप उनको। इन्होंने बड़ी दिल खोल के उनको सपोर्ट दी है। तो आज तक अब लोग कहते हैं कि हमें भाई अच्छा नहीं लग रहा है, हम जा रहे हैं यहाँ से, कभी कभी उनके इंटरव्यू भी आते हैं, बेचारे किसान, वो कहते हैं हम यहाँ पूर्वज, हमारे यहीं से हैं, लेकिन ये सब मानते हैं कि जो उनको मिला वो जायज़ है, उनके साथ इस तरह की कोई ये ना डरा धमका के नहीं हटाया गया वहाँ से। तो दक्षिण एयरपोर्ट खुल जाएगा साल भर में, और एक जहा हदीद करके दुनिया के बेस्ट आर्किटेक्ट थे, उन्होंने उसकी डिज़ाइन बनाई हुई है, 70 लाख स्क्वायर फीट का एयरपोर्ट है। इसकी कैपेसिटी होगी 7 करोड़ पर्यटक सालाना, और बेजिंग एयरपोर्ट की अभी 9.6 करोड़, तो सोचिए 16-17 करोड़ लोग बेजिंग में जा सकते हैं, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा होगा। तो ये कुछ उदाहरण हैं, और मैं ये आपको इंप्रेशन में नहीं छोड़ना चाहता कि सिर्फ बड़ी बड़ी चीज़ें हो रही हैं। जब मैं बल्कि पहले बार चीन गया, तो मेरे दोस्तों ने कहा भाई ये सब ऊपरी दिखावा है, बीजिंग शहगा में तो ऐसी चका जाओ, छोटी जगहों में जाओगे तो पता लगेगा कुछ नहीं है। लेकिन मैं सब जगह गया और सभी जगह देखी, और सरकार ने भी बहुत सहयोग किया हमको जाने में, जो वहाँ बैंड एरियाज भी हैं, सिंजियांग है, वहाँ पर बहुत परमिशन चाहिए होती है, क्योंकि वो इस्लामिक एरिया है, विगर लोग रहते हैं वहाँ पर, और वहाँ पर काफ़ी आतंक होता है। लेकिन वहाँ भी गए, छोटी छोटी जगहों में भी गए, गाँव में भी गए, तिब्बत गए, तिब्बत लाचा यू नो उसके आसपास इलाकों में, मुझे कोई जगह ऐसी नहीं दिखी जहाँ पे अर्थव्यवस्था अच्छी ना हो, और खासकर सड़कें बहुत अच्छी ना हो। तो ये सब तो खैर अपनी जगह ठीक रहा, सवाल ये है कि हम इससे क्या सीख सकते हैं और ये हुआ कैसे। तो इसमें ऐसा है कि ये बहुत ही गहरा सवाल है, ये आसानी से होगा भी नहीं, शायद कभी हो भी नहीं, और अगर हो तो शायद 50 बरस भी लग सकते हैं, लेकिन इसको करना जरूरी है। जैसे मैंने आपको अल्मोड़ा का उदाहरण दिया, अभी मैं नैनीताल होके आया, नैनीताल में जहाँ हम लोग रहते थे पहले, वहाँ एक घर था, मैं वहाँ गया तो मतलब आप सोच नहीं सकते कितने घर बन गए, रास्ते में भी घर बन गए, पैर रखने की जगह नहीं है। एक बार करीब 20 बरस पहले मैं गया था झील विकास प्राधिकरण में, एक वहाँ पर बंगला बिक रहा था सेंट क्लाउड करके, स्नो व्यू के पास, तो नैनीताल से हमारा बहुत लगाव है, स्कूल गए थे, तो मैंने सोचा शायद अगर पैसे जुड़ जाए तो खरीदने करके, तो वो पता लगा रामकृष्ण मिशन का है, तो मैं मिशन वालों से मिला, उन्होंने कहा भाई हम तो तैयार हैं देने के लिए, लेकिन वहाँ कुछ कर नहीं सकते, आप झील विकास प्राधिकरण वालों से मिलेंगे, वो घर जल गया है, उसमें छत गिर गई है, लेकिन वो आपको कुछ नहीं करने देंगे क्योंकि वहाँ पर खतरा है, वो पहाड़ जो अनस्टेबल है। बात ठीक थी, तो मैं गया मिलने के लिए, एक साहब थे वहाँ पर, उनसे मिला, उन्होंने साफ मना कर दिया कि भाई मत खरीदना, इसमें आप ईंट भी नहीं हिला सकते, वो टूटी हुई छत भी आप ठीक नहीं कर सकते, तो बेकार है, वो मिशन वालों स्कूल चला था, वहाँ आग लग गई थी। अब की बार जब पता लगा तो वहाँ पे स्नो व्यू से लेके ताल तक ना पूरे बिल्डिंग बन गई है, सब जगह बिल्डिंग बन गई। अब या तो तब बात गलत थी कि माउंट स्टेबल नहीं है, या अब बात गलत है, और इसका मुख्य कारण यही है कि आगे की प्लानिंग नहीं हो रही है। लेकिन अगर बड़े पैमाने पे सोचा जाए तो चीन में एक उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है कि नए नए शहर बना दिए, जो जुहाई का मैंने आपको नाम लिया था पहले, 20 बरस पहले जुहाई था ही नहीं, वहाँ पर कुछ नहीं था, वहाँ पे मार्श को क्या कहते हैं, मार्श था मतलब, तो समझ लीजिए पानी था, सीमार लेकिन वो समुद्र खार पानी छी, वहाँ पे उन्होंने साफ करके नया शहर बनाया। मैं गया हूँ वहाँ पे, तब 20 साल पहले भी गया था मैं, जब वहाँ पे नया शुरू हुआ था, क्योंकि हम लोग रीबा पर जूते वहाँ बनवाते थे, और एक और था कि डालियान जो एक द्वीप है कोरिया की तरफ, अगर आप पूर्वी दिशा में जाएं तो चाइना के बगल में, मतलब वहाँ बीजिंग के राइट में जाके एक बहुत बड़ा द्वीप है जो कोरिया के रास्ते में है, वहाँ के लोग बल्कि काफ़ी कोरियन बोलते भी हैं। वहाँ का एक अध्यक्ष था, उसका नाम था बोजिलाई, बहुत प्रख्यात, उसने बिल्कुल काया पलट कर दी, और आज कहा जाता है कि डालियान का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो दुनिया का सबसे एडवांस है, सिंगापुर से भी ज़्यादा। वहाँ आप जाएंगे तो आप देखेंगे वहाँ जो रेलें चलती हैं, गाड़ियाँ चलती हैं, घर चलते हैं, और उन्होंने यही किया, घर पहले बना दिए, उसके बाद फिर वहाँ हुको दे दिया कि भाई डालियान में हम 2 लाख हुको दे रहे हैं, गांव भर से सबके एप्लीकेशन आ गए, भाई हम जाने को तैयार है, सुना डालियान में बढ़िया आबो हवा है, तो चले गए वहाँ पर। तो इस तरह से वहाँ पर हुआ। अब इसका जो है, मैं इसलिए कह रहा, सॉरी थोड़ा लंबा चल रहा है, लेकिन मैं आपको एंड में सवाल पूछने का काफ़ी समय दूंगा, लेकिन कुछ बातें मैं बताना चाह रहा था। ऐसा है कि चीन में, बल्कि यहाँ से अगर आप पूर्वी दिशा में जाए, जैसे मैंने कहा यहाँ पर पहले तो तिब्बत आ जाएगा, लेकिन उसके आगे अगर आप चले जाएं, पूरे ये पूर्वी और दक्षिणी एशिया में जितने देश हैं ना, ये सब ने भारत से सीखा है,
क्योंकि ये सब बौद्ध धर्म फॉलो करते हैं, सब चीन में चाहे धर्म को उन्होंने बिल्कुल ही मतलब किसी तरह दबाया हुआ है, चीन में वो नहीं चाहते किसी तरह का भी धर्म हो, तिब्बत में नहीं कर पाए लेकिन और जगह में दबाया हुआ है, लेकिन अभी भी 70% चीनी लोग कहते हैं कि हम बौद्ध हैं। जापान तो खैर है ही, और वियतनाम, म्यांमार, कंबोडिया सारे बुद्ध, मतलब एक इंडोनेशिया और मलेशिया में थोड़े इस्लाम है, और फिलीपींस और कोरिया में थोड़ा ईसाईवाद है, बाकी सब सब बुद्धिस्ट हैं। और चीन में भगवान बुद्ध और भारत के लिए इस बारे में बहुत ही ज़्यादा सम्मान है। चीन का जो शास्त्रीय साहित्य है वो प्राचीन भी है, उसमें बहुत विविधता भी है, ऐतिहासिक उल्लेख भी कई सारे हैं, और जो 5 उनके मूल ग्रंथ हैं वो सब कॉन्सी ने लिखे थे, कन्फ्यूशियस ने। और उन्होंने क्या सिखाया था कि सबसे जो अहम बात है वो है विचार शक्ति और विवेक बुद्धि, चैतन्य, ज्ञान, तर्क, जिसको हम कहते हैं सूझबूझ, होशो हवास। भगवान बुद्ध ने भी यही कहा था कि जो चीज़ आप पूरी, जब बुद्ध का मतलब जो जग गया, तो उन्होंने कहा था कि अगर आप पूर्ण जागृत अवस्था में कोई भी काम करेंगे वो पुण्य होगा, सोए में मत करिए, मतलब बिना सोचे समझे, अपने निजी अनुभव को बहुत महत्व दीजिए। और यही चीज़ कन्फ्यूशियस ने सिखाई, तो चीन में बचपन से ही बच्चों को ये सिखाया जाता है कि जो इसकी जो विपरीत जो चीज़ें होती हैं प्रतिरोध में, जैसे कि चाव है, धुन है, लालसा, सरगर्मी, क्रोध, ये गलत है, और विवेक बुद्धि चैतन्य ये सब अच्छा है। दूसरी बात जो कॉन्सी ने सिखाई थी कन्फ्यूशियस ने चीन में, वो है सरकार की ओर आदर, राजा और सरकार की ओर आदर, ये कर्तव्य था और आज भी है। और मैं सोचता हूँ कि ये जो धारणा है ना, और जापान में भी यही सोच है, इसके बिना जब तक ये नहीं आएगी, जब तक लोगों में मानसिक बदलाव ये नहीं आएगा कि जब तक मैं अगर कूड़ा फेंक रहा हूँ तो वो ना फेंकूँ, वो सिखाने से नहीं आती, ना ही वो न्याय प्रणाली से आती, ना कानून से आती है। नैनीताल में भी मैं देख रहा था, वो जो घर बने हुए हैं बेचारे, अब क्या करें, उनको भी घर बनाना है, रहना है कहीं, कहाँ जाड़े में ठंड में रहेंगे, तो अब और कोई तरीका नहीं है तो वो बनाते हैं, या तो फिर वो घूस दे के वहाँ पे यू नो रिश्वत दे के भ्रष्ट अफिसरों को बनवा लेते हैं, या फिर थोड़ा फैला के एक घर एक स्टोरी का मकान होगा उसमें दूसरा बना लेंगे। ये जो सोच है ये इसमें आपका कुछ भी कर लें, हम लोग कितनी प्लानिंग कर लें, जब तक ये मानसिक बदलाव नहीं आएगा थोड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अब अच्छी बात यह है कि इन सबका प्रेरणा स्रोत तो भारत ही था, तो भारत में भी मतलब ये सोच आनी चाहिए, जितने सब तक हम लोग खुद कर सकें अपने निजी जीवन में करें वो अच्छा रहेगा। तो ये बहुत जरूरी बात है, मैं सोचता हूँ कि इसके बिना चीन इतनी प्रगति नहीं कर पाता। अब माओवादी आए 1940-50 दशक में, 60 के दशक में, उन्होंने काफ़ी इसको तोड़ मोड़ की इसकी, और काफ़ी ख़राब समय था चीन के इतिहास में, कई बुद्धिजीवियों को उन्होंने मार डाला, कितने करोड़ों लोगों को मारा था माओवादियों ने, और वो लोगों के हाथ देखते थे ऐसे, उंगली दिखाओ मुझे उंगली दिखाओ, उंगली देख के वो देखते थे कि इसके नाखून में मैल है कि नहीं है, अगर है तो तुम माफ, और अगर हाथ साफ है तो अंदर, तो फिर वो ले जाते थे इंटरनेट कैंप में, वहाँ सिखाया करते थे। बुद्ध भगवान का भी उस समय पे जो मतलब कुछ थोड़ा ब्राह्मणवाद भी ज़्यादा उसमें कुछ एक्सेस हो गई थी, जैसे कि शास्त्रों में भी लिखा हुआ कि उस समय बुद्ध के समय में जो राजा थे वो एक समय में 600-600 पशु पक्षियों का की बलि चढ़ाते थे, और ब्राह्मण उनके पास लिखा हुआ शास्त्रों में, ब्राह्मण जानवर का पैर पकड़ के उत्तर दक्षिण दिशा में करके उसकी आँख सूरज की ओर करके सांस बंद करके उसको मारता था। तो ये बिल्कुल घास पर इस तरह की चीज़ें थी प्रथा थी, तो उसको नकारा उन्होंने, और लोगों ने भी माना कि हाँ भाई ये बात ठीक नहीं है। तो इस तरह से ये जो एक मतलब भारत में जोश ज़्यादा है और चीन में थोड़ा होश ज़्यादा है ना, वहाँ जो लोग हैं थोड़ा समझ के काम, मैंने अपने निजी जीवन में भी देखा हुआ, हमारी कंपनी में जैसा बता रहे थे ललित, 4.5 लाख कर्मचारी हैं, हर साल हम करीब 20-30 हज़ार लोग को वहाँ रिक्रूट करते हैं, तो 8,500 रेस्टोरेंट 1300 शहर में, उनकी जब मीटिंग होती है ना सुबह, जब से आप स्टोर में जाएं, मैनेजर सबको बाहर ले जाएगा, वो ऊपर की सीढ़ी में खड़ा होगा, सब स्टाफ नीचे खड़ा होगा, फिर वो लोग वहाँ पे नारेबाजी करते कि हम आज इतना अच्छा काम करेंगे, आज हमारा टारगेट ये है, अंदर जाके वो एकदम सफाई करेंगे। ऑफिस में भी मैं देखता था, जैसा हम लंच ब्रेक देते थे 45 मिनट का, तो लोग वहाँ पर ऐसी मेज में ही सो जाते थे, क्योंकि बाहर जाएंगे तो टाइम लगेगा, जैसे 1:45 हुआ टाइम हुआ फिर काम करने का, वो काम अपना उनका शुरू हो जाता था। तो ये मानसिक व्यवस्था बदलना बहुत आवश्यक है, इसके बारे में हम तो कुछ और बताऊंगा एंड में। दूसरी चीज़ जो हुई है वो ये कि
एक चीज और आपको बता दूं, चाहे मेरे समझ ज्यादा ले रहा हूं मैं, ये था कि जो चीन से सियान से जब फंग डायनेस्टी थी करीब लगभग 600 एडी में, मतलब आज से समझिए करीब 1400 वर्ष पहले, तो तब बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस यहाँ भी बहुत था। सम्राट अशोक ने जैसे आप जानते हैं 70,000 स्तूप बनवाए थे और जगह जगह स्तंभ लगे हुए थे। चीन में भी शंघाई के बीच में जिंगान मंदिर में अशोक स्तंभ है, उसमें चार शेर बने हुए हैं, स्वस्तिक बने हुए हैं चारों ओर, बुद्ध की मूर्ति है। 87 तक भारत और चीन करीब बराबर थे अर्थव्यवस्था में, लगभग बराबर थे, मतलब चीन थोड़ा आगे था लेकिन ज़्यादा नहीं। कोरिया भी हमारे बराबर ही था 1987 तक, बल्कि 1976 दुबई में रुपया चलता था, दिरहम ही नहीं था, रुपया चलता था वहाँ सब इलाकों में। लेकिन 1987 में बहुत ही उदारीकरण किया गया चीन में खासकर, और जितनी जो मैं आपको बता रहा हूँ ये जो एग्जांपल दिए मैंने आपको डालियान के और शंघाई में, और जो बड़े बड़े इमारतें बनी हैं अब वो 100 मंजिल की इमारतें बना रहे हैं वहाँ पे, FAR जो होता है ना, मतलब फ्लोर एरिया रेशियो या फ्लोर स्पेस इंडेक्स जो हम कहते हैं, जैसे दिल्ली में 150 है वहाँ 20 है, हांगकॉन्ग में 100 है, मतलब आप एक 100 मीटर वर्ग में आप 100 × 100 बना सकते हैं, मतलब आप 100 मंजिल की इमारत बना सकते हैं। ये न्यूयॉर्क में भी ऐसा ही है, सब जगह नहीं करना चाहिए लेकिन कुछ जगह जरूर कर सकते हैं। अब जापान में भी भूकंप बहुत आते हैं जैसे यहाँ आते हैं, लेकिन जापान में भी वो 4-5 मंजिल की इमारत पहाड़ों में बना लेते हैं बड़े आराम से, क्योंकि तकनीक अब आगे बढ़ चुकी है। ये बाहर से तकनीक लाना और अहंकार ना होना और लोगों से सीखना और आयात में बहुत ही उदारवाद, ये चीन ने बहुत अच्छी तरह से किया जो अभी तक हमारा नहीं हो पाया है। अभी भी हमारी ये मानसिक, हमारी दृष्टिकोण हमारा ये है कि सब काम भारत में होना चाहिए। अब भाई सब काम नहीं हो सकता ना, कुछ काम हम बहुत अच्छा करते हैं, सॉफ्टवेयर का काम इतना अच्छा करते हैं, हैंडीक्राफ्ट का काम इतना अच्छा करते हैं, यहाँ पर हम लोग शॉल बनाते हैं, ये काम हम बहुत अच्छा कर लेते हैं, लेकिन कुछ काम है जो चीनी लोग बहुत अच्छा करते हैं, वो चीन से मंगा लेते हैं ना, उसमें क्या हर्ज है। और अगर निजी पूंजीपतियों को ये अगर अप्रूवल दिया जाए, जो सारे देश में सभी देशों में ये हुआ है कि जो कंट्रोल जो होता है फॉरेन एक्सचेंज पे, वो लोग हटा देते हैं, ताकि लोग, अगर आपको मान लीजिए कुछ आयात करना है जर्मनी से, आप यूरो का इंतजाम करिए, हमारे पास मत आइए, सरकार के पास मत आइए, आप इंतजाम करिए और आयात कर लीजिए, और लोग करते हैं और वो फिर निर्यात भी करते हैं, क्योंकि उनकी भाई मशीन बनाने के लिए भी मशीन चाहिए ना। तो कुछ चीज़ें हैं जो कुछ देश बनाते हैं उनका आयात जो है उसमें, इसमें क्या हुआ है कि भारत में मैं तो देख रहा हूँ इतने, अब देखिए 30-40-45 साल हो गए देखते देखते, जो भ्रष्टाचार की जड़ थी वो तीन जगहों पर से आई थी। पहला होता था डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, और मैंने फिर वहाँ बहुत एड़ियाँ घिसी है, क्योंकि हिंदुस्तान लेवल में हम लोग काफ़ी माल आयात करते थे, सीधे के तरीके से वहाँ कुछ कर ही नहीं सकते, तो हम लोग काम ही नहीं करते थे, क्या करें, हम घुस तो देने को तैयार थे नहीं। वहाँ पे क्या था कि उस जमाने में फिल्म इम्पोर्ट होती थी, कोडाकोम फिल्म जो है ना, अब फिल्म इंडस्ट्री तो सारी कैश पे चलती है, आपको मालूम ही है वहाँ पे काला धन बहुत होता है। तो फिर वहाँ से ये चक्र शुरू हुआ कि फिल्म इम्पोर्ट करने के लिए अगर आप किसी भ्रष्ट ऑफिसर को कल्टिवेट कर लें तो आप अपना सामान ला सकते हैं। फिर दूसरा हुआ सबसे बड़ा डिफेंस में, और आज भी है डिफेंस में, अब आज इतना विवाद उठ रहा है रफाल एयरक्राफ्ट के बारे में, सच्चाई क्या है कोई जानता नहीं है ना, हम तो क्या माने माना कि मोदी साहब तो बहुत ईमानदार हैं, जहाँ तक हम देख रहे हैं मेहनती आदमी है, दुनिया भर में उनका यही रेपुटेशन है, अमेरिका में सब लोग कहते हैं कि आप बड़े भाग्य वाले भाग्यशाली हैं कि आपको मोदी जैसा आदमी मिला, 18 घंटे काम करता है, निजी रूप से वो बहुत ही ईमानदार है। अब डॉक्टर मनमोहन सिंह तो बहुत ही बल्कि संत आदमी थे निजी रूप से, उनका तो कभी मतलब कोई किसी ने भी आँच नहीं उठाई कि उन्होंने, ना उनको मंशा थी, ना उनकी कोई पारिवारिक इस तरह के प्रेशर थे, ना कुछ था। लेकिन ये सिस्टम की गलती है, ये एक लीडर की गलती नहीं है, उसमें मेन जो चीज़ है वो है नियंत्रण, कंट्रोल। सरकार कंट्रोल रखती है, नियंत्रण रखती है, लेकिन उदारवाद उन्होंने नहीं सीखा कभी भी। अब जैसे अगर मान लीजिए हम पहाड़ है, कोई एक पहाड़ अगर वो आइडेंटिफाई कर दे कि वहाँ पर 20 एकड़ हम देते हैं किसी, वहाँ पर आप डेवलप कर लीजिए 15,000 घर, उसका नया नाम दे दीजिए। इसी तरह तो बना था, शुरू में बना था, इसी तरह बैक बे रिक्लेमेशन बम्बई में बना था, नोएडा बना था, ओखला बना था DLF ने, आजकल वो बंद हो गया कि लोग डर रहे हैं, किसी को अगर हमने मान लीजिए परमिशन दे दी तो हम पे ही आरोप आएगा कि आप भ्रष्ट हैं। तो ये मामला जाम हो गया है, और ये इसका मतलब और तो कई चीज़ें हैं, लेकिन उदारीकरण बहुत आवश्यक है। अब देखिए सुरक्षा के उस क्षेत्र में आजकल आप जानते हैं ड्रोन बनने लगे हैं, ड्रोन सब जगह, आपको शादी में आजकल ड्रोन, अब लड़ाइयाँ ड्रोन से लड़ी जा रही हैं, कौन पायलट को अपना वहाँ भेजेगा कि वहाँ डर है कि उसको गोली लग जाए, ड्रोन भेजते हैं जिसमें कोई पायलट ही नहीं है, एक लड़का बैठा रहता है कहीं एरिजोना में, वो देख रहा होता है कंप्यूटर में, बम फेंक देता है, लोग मारे जाते हैं, पता ही नहीं कि पाकिस्तान में इस तरह से कई वो तालिबानी को मारा है इन्होंने।
ये ड्रोन जो है ना, ये इसकी दो तिहाई प्रोडक्शन जो है चीन में है, और ये कंपनी है DJI जो बनाती है, और बड़ी प्रख्यात अच्छी कंपनी है। बल्कि अब अमेरिकी गवर्नमेंट को समझ आई है, तो अब उन्होंने उनसे खरीदना बंद कर दिया, क्योंकि उनको डर है कि उनके ड्रोन में सॉफ्टवेयर होगा चीन का, उन्हीं के ड्रोन इन्हीं के ऊपर इतना दाग दे। तो लेकिन कहने का मतलब ये है कि ये सब निजी कंपनियां हैं, जो मैंने आपको डालियान का एग्जांपल दिया, वहाँ पे एक कंपनी है वांडा ग्रुप चाइना में, प्राइवेट कंपनी है, अंबानी की तरह है। अब भाई वो होते हैं भ्रष्ट होते होंगे, मेरे क्या मतलब, लेकिन ये याद रखिएगा कि बिल्ली किस रंग की हो इससे फर्क नहीं पड़ता, सवाल ये चूहे पकड़ती है कि नहीं, बिल्डिंगें बन रही कि नहीं बन रही हैं, आप अपनी आंखों के सामने देख सकते हैं। आप चीन अगर इतनी दूर भी है नहीं, है भी नहीं यहाँ से, मतलब दिल्ली से 5 घंटे की फ्लाइट है, अगर आप वहाँ जाएं और देखें तो आपको स्पष्ट नजर आएगा कि बिल्डिंग आजकल कितनी फर्क हो गई है, बिल्डिंग और टेक्निक एकदम बदल गई है। बिल्डिंग में सामने ग्लास फ्लश होता है, बिल्डिंग ग्लास और धातु के बनती हैं, उसमें बालकनी वगैरह नहीं होती जो यहाँ पे दिखाई देती है बड़ी मुश्किल वहाँ। तो इससे ये जो चीज़ है इनका एक मुख्य कारण था उदारीकरण, जो अभी भी भारत में, अभी समय नहीं है लेकिन अगर कोई सवाल हो तो मैं जरूर जवाब दूंगा उसका, कि हर क्षेत्र में यहाँ पे उदारीकरण की आवश्यकता है, निजी पूंजीपतियों को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है, और उसमें गड़बड़ी होगी तो नियंत्रण रखना जरूरी है। अमेरिका में भी स्टॉक एक्सचेंज SEC है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन, सब उससे घबराते हैं। अगर SEC वाले आगे, जैसे यहाँ CBI का होता है, वहाँ उनका भी हुआ है, सब डरते हैं कंपनी वाले, तो गलत काम कोई नहीं करेगा। लेकिन प्राइवेट कंपनियाँ जो हैं आज की डेट पर, जैसे एप्पल है या माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, और चला हिंदुस्तान ही रहे हैं उनको, गूगल को आज सुंदर पिचाई चला रहा है, माइक्रोसॉफ्ट को आज सत्य नडेला चला रहा है, वो हिंदुस्तानी, लेकिन निजी कंपनियां हैं और अच्छा काम करती हैं। तो मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ, जैसे आपने आम कौन बनेगा करोड़पति प्रोग्राम तो आप देखते ही होंगे ना, अमिताभ बच्चन वाला, हम भी देखते हैं, वहाँ लाइव आता है डैलस में, हमारी सास जी उनको बहुत पसंद है, शाम को TV लग के वहाँ का ऑन हो जाता है, तो वहाँ अमिताभ बच्चन हमेशा बताते हैं ना कि सीधे आप 7 करोड़ के सवाल पर नहीं पहुँच सकते, आपको पड़ाव पार करने पड़ेंगे सीधे। आपने अगर किसी को ये दे दिया कि भाई एक ही सवाल देना है, हो सकता है वो तुक्के में ले जाए, लेकिन वहाँ पहुँचने के लिए आपको काम करना होता है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे अगर ये जो बुनियादी ढांचे की बात हो रही है, जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब हो सकता है, सब हो सकता है, लेकिन उसके लिए दो पड़ाव पार करने होंगे। पहला जो मैंने कहा, मानसिक पड़ाव, जिसमें होश हवास, रैशनल थिंकिंग, जिसमें गुस्सेबाजी, आक्रोश में जो इस तरह की हिंसा हो रही है आजकल, जनता में हो ही जाती है अगर उनको उकसाया जाए, तो ये बदलना होगा। इसके लिए मेरे पास कोई सलूशन नहीं है या तो सियासी रूप से आएगा या कोई दार्शनिक आएगा। दूसरा पड़ाव ये आवश्यक है, इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। अब आप सभी जानते हैं कि जब भारतीय लोग बाहर जाते हैं तो उनका बिल्कुल बदल जाता है ना, बिहेवियर बदल जाता है, वहाँ कोई गंदगी नहीं करता, कोई कूड़ा नहीं फेंकता, बल्कि मॉडल सिटीजन माने जाते हैं हिंदुस्तानी, खासकर अमेरिका में आजकल माना जाता है कि जो हिंदुस्तानी लोग आए हुए हैं वो सबसे अच्छे नागरिक माने जाते हैं, क्योंकि वो कभी क्राइम नहीं करेंगे, डर के रहेंगे, अपना मेहनत से काम करेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। लेकिन हिंदुस्तान में आके सिस्टम ऐसा हो गया है, सड़क में हम भी जा रहे थे, ड्राइवर से मैं कह रहा था भाई हॉर्न मत बजाओ करके, लेकिन क्या करें बेचारा, सभी बजा रहे, बिना हॉर्न बजाए कोई हटता नहीं है। और नैनीताल की हालत देख के तो अब की बात थोड़ा बुरा मुझे लगा, लेकिन अभी देर नहीं हुई है, क्योंकि जो हो चुका है वो तो हो चुका है, उसको कोई नहीं बदल सकता। जो बिल्डिंगें बन गई हैं यहाँ पर, बन गई हैं, उसको तो कोई नहीं बदल सकता, उसको तोड़ेंगे थोड़ी। लेकिन ये सोच के चलना पड़ेगा कि अगले दशक में 70,000 लोग अल्मोड़े में जब आएंगे तो कहाँ रहेंगे, कौन सी सड़क से वो ड्राइव करेंगे, और इसमें निजी सेक्टर का बहुत महत्वपूर्ण रोल होना चाहिए, जैसा कि चीन ने दिखाया है भी। तो ये दो पड़ाव अगर हम पार कर सकें तो फिर ज़रूर निस्संदेह हम इंफ्रास्ट्रक्चर बदल सकते हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर बदलने से पूरी अर्थव्यवस्था बदलती है, उसके बिना बहुत मुश्किल है कुछ भी करना, क्योंकि अगर आदमी ऑफिस टाइम पर ही नहीं पहुँच पाएगा तो काम क्या करेगा, माल के यातायात में देरी होती है, यहाँ के जितने निर्यातक होते हैं, जो निर्यात करते हैं यहाँ से, उनकी कितनी डिले होती है पोर्ट में, यहाँ से ट्रक भेजते हैं बम्बई, उसे 3 जगह तो वहाँ पे कभी बंद हो गया, कभी कुछ हो गया, सड़क टूटी हुई है। तो आर्थिक व्यवस्था में बदलाव लाने के लिए बुनियादी ढांचे या को बदलना होगा। और मैं यही आपसे अंत में कहूँगा कि हम लोग अक्सर बचपन से हमको बताया गया है कि हम लोग पश्चिम की ओर देखें, क्योंकि वहीं पर ज़्यादा डेवलपमेंट है, अमेरिका में, इंग्लैंड में, यूरोप में। लेकिन आज सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट जो हो रहा है वो पश्चिम में नहीं हो रहा है, वो एशिया में हो रहा है, और उसका परम उदाहरण है चीन।
तो यहाँ मैं अपना व्याख्यान अंत करता हूँ और जो भी सवाल हो मैं उनको देगा। आपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट से नेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स तक बातें लाई हैं और ज़रूर सवाल होंगे। मैं शुरुआत में अगर मैं आगे हूँ तो मैं पूछूँ, एक चीज़ आपने एक बात पे आपने ध्यान नहीं हमारा लाया कि चीन इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है और चीन डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, उनका सिस्टम अलग है। उनका सिस्टम अलग है, इसका क्या इम्पैक्ट होता है कि हमारे काम करने का तरीका एक किस्म का है, उनका अथॉरिटेरियन तो मैं नहीं कहूँगा लेकिन यूनिटरी है, इसका कुछ इस पर कुछ आप कह सकते हैं? सवाल यह है कि चीन में इस तरह के जो मानवाधिकार या जो लोकतंत्र के जितने बंधन होते हैं वो नहीं है, सरकार जो डिसाइड करे कर सकती है। लेकिन वहाँ रहने के बाद मैंने जैसे आपको ये दाक्षिण एयरपोर्ट का एग्जाम्पल दिया, वहाँ पे अत्याचार नहीं होता इस तरह से, सरकार जो है उसके लिए लोगों का आदर है क्योंकि सरकार वो देख रहे हैं कि उनकी ज़िंदगी कितनी सहज हो गई है। सर आपने चाइना के बारे में बताया कि वो बौद्धिस्ट है, बौद्ध धर्म पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा चाइना में 70% बौद्ध है और बौद्ध धर्म बड़ा स्पष्ट है, अहिंसा प्रेम इस पर चलता है जो बहुत धर्म के हमारे महात्मा बुद्ध का उपदेश है। लेकिन चाइना आज पूरी दुनिया में साम्राज्यवादी देश बनी है। वहाँ सरकार जो है वो तो ऑफिशियली अनिश्वरवादी है ना, वो तो एथियस्ट है, वो तो भगवान को मानते ही नहीं। मैं आपको उदाहरण दूँ, मेरी सेक्रेटरी थी वहाँ पे, वो कैथलिक है, चर्च में जाती है, वो हांगकांग की रहने वाली कैंटनीज, तो वो बड़ी बहुत अच्छा काम करती है वो। तो वो बता रही थी मुझे कि संडे को जब वो चर्च जाती है उसे पासपोर्ट दिखाना पड़ता है क्योंकि आम चीनी नागरिक चर्च में नहीं जा सकता। जिंगान मंदिर जिसका मैंने जिक्र किया था अभी, वहाँ पर 50 युआन है ना, 500 रुपये का एंट्री फी है। अब आप सोचिए अगर कसार देवी में 500 रुपये की एंट्री फी लगाई जाए तो यहाँ तो मतलब दंगे हो जाएंगे, होने भी चाहिए, ये तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है कि हम किसको किसकी हम पूजा करें। तो चीन में जो सरकार है वो बौद्ध, बिल्कुल उनका कोई कनेक्शन नहीं है बौद्ध धर्म से। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ जो वहाँ की मानसिक विचारधारा है उसमें बौद्ध और कन्फ्यूशियस की मिली भी जो होश और हवास से काम करने की बात है और जो समझ बूझ से करने की बात है, जज्बाती ना होके जज्बात को कंट्रोल में रखें, ये बहुत बड़ी बात है चीन में। इसमें हमारी चाइना के साथ जो विदेश नीति से कितना प्रभावित किया है? बहुत ज़्यादा किया है ना, 1954 में आ गए थे दलाई लामा छोड़ के। अब चीन के लिए सबसे बड़ा मुद्दा यही है क्योंकि तिब्बत को, ये तिब्बत और सिंजियांग दोनों को वो कहते हैं ऑटोनोमस रीजन, मतलब वो पूरा चीन का हिस्सा एक हिसाब से नहीं है, वहाँ पर अधिकार अलग है उनको। जैसे सिंजियांग में वीगर को दो बच्चे पैदा करने की अनुमति पहले भी थी, और जगह नहीं थी, एक ही की थी। दलाई लामा जब यहाँ आए तो बहुत उसकी पुरानी इतिहास है, जब आए थे उसके अब ज़्यादा डिटेल निकल रही है क्योंकि पुराने यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने भी कई जर्नल दस्तावेज को रिलीज़ कर दिया, तो पता लगा कि CIA ने भी कितना ख़राब रोल अदा किया था, वहाँ पर बम फेंके थे और डराया था कि दलाई लामा चीनी सरकार को गिरा देगा ये सब, और वो आ गए हैं यहाँ पे। आज चीन बहुत नाराज है इस बात से कि दलाई लामा यहाँ रहते हैं। मेरा नाम प्रफुल्ल पंत है जी। मैं जानना चाहता हूँ कि जो भारत में बुनियादी ढांचे का विकास आज का प्रश्न है, प्रजातंत्र के लिए क्या कर्ज माफ कर देना, बिजली का बिल माफ कर देना, मध्याह्न भोजन योजना, ये प्रजातंत्र के विकास में सहायक होंगे आर्थिक विकास में? सब्सिडी वाला कल्चर, मैं आपसे सहमत हूँ। मेरा मानना यही है, अब जितनी रिजर्वेशन की डिमांड यहाँ होती है, जब लोग कहते हैं ना रिजर्वेशन होना चाहिए, तो मैं पूछता हूँ भाई क्रिकेट टीम में रिजर्वेशन क्यों नहीं है? हर प्रदेश के दो होने चाहिए, एक छोटा एक लंबा नहीं होता। अगर आपको स्पर्धा करनी है और देशों के साथ अगर जीतना है तो जो सबसे अच्छा है उसी को आगे आना पड़ेगा ना। लेकिन अब इसमें थोड़ी क्रूरता भी है तो लोग कतराते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा सवाल है और इसमें यही है कि जो सरकारी सिस्टम है वो किसी देश में सफल नहीं रहा है। ज्यादा तो भेजी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि चीन में जो माओवाद और मार्क्सवाद चल रहा है उससे पहले वहाँ क्या स्थिति थी, क्या प्रजातंत्र नाम की कोई वस्तु नहीं थी? और दूसरा ये प्रश्न है कि वहाँ की जनता क्या कभी स्वतंत्रता की कामना नहीं करती जो उनको दंड के बल पर मजबूर किया जाता है? नहीं, ठीक बात है, आपका कहना ठीक है क्योंकि वहाँ पे अभी देखिए हांगकांग जो था वहाँ पे पूरी स्वतंत्रता थी और मानवाधिकार थे, वहाँ पे अखबार जो थे पूरे खुली तरीके से वो चीनी शासन की बुराई भी करते थे। पिछले 5-6 साल में सब बदल गया है, वहाँ के जो संपादक थे उनको गिरफ्तार किया गया,
दो हफ्ते चीन ले जाया गया, पता नहीं क्या उनको सिखाया गया, लेकिन वापस आके उन्होंने फिर सरकारी तारीफ शुरू कर दी। और ये हो रहा है अभी भी हांगकांग में, मानवाधिकार कम हो रहे हैं और उनको बहुत फिक्र है इस बात की, डरते हैं इस बात से। जैसे आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं कि उनके पास क्रिएटिव पावर नहीं है अभी, वहाँ पर ना कोई मेजर लिटरेचर निकलता है, ना कोई बढ़िया पिक्चर बनती है, वो साइंटिफिक टाइप की मतलब नहीं करे यार, स्पेशल इफेक्ट्स के जरिए वो काफ़ी बढ़िया पिक्चर बना लेते हैं, लेकिन दिल को छूने वाली कोई बात वहाँ से नहीं निकलती। 80 के दशक में जैसा कि आपने पहले बताया कि दोनों करीब करीब भारत और चाइना सिमिलर थे, तो 80 के बाद जो उनके उसमें परिवर्तन आया, तो क्या उनके पॉलिटिकल विल की वजह से आया या वहाँ के लोगों का अपना जो अपोजिटो हुआ, आपने जो बात कही थी उसकी वजह से आया? और मेरा दूसरा इसी से कंटिन्यूएशन में एक सवाल है कि वहाँ के जो गरीब व्यक्ति है उस पर इसका कितना इम्पैक्ट पड़ा है जो वहाँ पे डेवलपमेंट हुआ? अच्छा। तो तीसरे सवाल का जवाब पहले कि गरीब व्यक्ति पर बहुत बहुत गहरा प्रभाव पड़ा हुआ है, क्योंकि वहाँ गरीबी एक बाकी कम हो गई है। और जितने आप ये खुशहाली के इंडेक्स आप देखते हैं, वर्ल्ड बैंक छापती है, चाहे वो एज लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो या इन्फेंट मोर्टैलिटी हो, या आप देख सकते हैं मतलब सुधार आया है, तो उसमें कोई डाउट नहीं। जैसे मैं शुरू में बता रहा था कि छोटे छोटे गाँव में भी हमने जाके देखा, अभी हम क्युनमिंग गए थे जो म्यांमार बॉर्डर में है, वहाँ पे सबसे आधुनिक एयरपोर्ट और सबसे बढ़िया मॉल वगैरह बन गई है, चाहे छोटा सा शहर है, क्योंकि वहाँ का जो मेयर है उसने कहा कि मैं शंघाई से भी ज़्यादा आगे जाना चाहता हूँ, छोटा शहर है लेकिन बहुत अच्छा उन्होंने सब कर दिया, तो गाड़ी वहाँ चल पड़ी है एक बार, तो ये होता है। तो 1980 के बाद जो फ़र्क भारत और चीन में रहा कि भारत में अभी भी सरकार कंट्रोल करती है, बहुत ज़्यादा कंट्रोल करती है हर चीज़ को, यहाँ पर नियंत्रण बहुत ज़्यादा है। अब मैं तो अपने अनुभव से बता सकता हूँ कि जब हम रेस्टोरेंट खोलते हैं ना, जैसे हमने यहाँ भारत में अब 700 रेस्टोरेंट खोल लिए हैं पिछले 20 बरस में, चीन में पिछले साल 700 खोले, अब वहाँ 8,500 हो गए। अच्छा, रेस्टोरेंट खोलने में वहाँ महीना डेढ़ महीना लगता है, इतनी जल्दी हो जाता है काम। होती है देखिए मैं बताता हूँ, जैसे आयकर विभाग है वहाँ पे, तो उनके अक्सर डिस्प्यूट होती है, लेकिन क्या है कि न्याय प्रणाली बहुत छोटी है वहाँ। जो आयकर विभाग का मेरे ख्याल से 14 पन्ने का पूरा इनकम टैक्स एक्ट है, 14 पन्ने का है, तो जज बड़ी जल्दी देता है। मेरा एक दोस्त था वहाँ पर, वो गाड़ी चला रहा था, तो एक बड़ा एक रिक्शा थी, उसमें काफ़ी सामान भरा हुआ था, गरीब बेचारा इलेक्ट्रिक रिक्शा थी, वो खींच रहा था, तो इसकी गाड़ी वहाँ गई, वो ऊपर से इसकी गाड़ी के ऊपर गिर गया, तो गाड़ी में डेंट लग गया। तो हिंदुस्तानी है ये, पेप्सी में काम करता है, तो फिर कोर्ट गया वो, तो इसने कहा भाई कि मेरी क्या गलती थी, मैंने तो गाड़ी वहाँ रखी थी, इसने ज़्यादा सामान भर रखा, तो वो मेरी गाड़ी के ऊपर गिर गया। तो जज ने कहा भाई ये बात तो ठीक है, लेकिन ये गरीब आदमी है, तो ये पैसे लाएगा कहाँ, ये गाड़ी थोड़ी तुम तुम्हारी ठीक करा सकता है। तो उसने पूछा तुम्हारी तनख्वाह क्या है, तो इसने बताया जो मेरा दोस्त है, फिर उसने रिक्शा वाले से पूछा कितनी तनख्वाह थी, उसने बताया, उसने कहा ठीक है इतना पैसा तुम इसको दो, क्योंकि ये तुम्हारे लिए बहुत है, उसके लिए कम तो है लेकिन कुछ तो है, और सीधे 5 मिनट में मामला तय हो गया, वो निकल गया, उसके बाद कोई अपील नहीं है वहाँ। शासन और प्रशासन, हाँ जी, के बुनियादी ढांचे में क्या परिवर्तन आए हैं? देखिए दो तीन चीज़ें हैं, एक तो जो प्रशासन का बुनियादी ढांचा है उसमें जो लोकल मेयर हैं उनको बहुत बड़ी छूट दी जाती है, वहाँ पर बड़े पावरफुल होते हैं मेयर, जैसे अल्मोड़ा का अगर मेयर होगा उसके पास बहुत पावर होगा। नमस्कार सर, तो चीन में मेयर के पास बहुत ज़्यादा ताकत होती है, मेयर ऑफ शंघाई कहते हैं, मेयर ऑफ शंघाई चीन का सबसे शक्तिशाली आदमी है, शी जिनपिंग से भी ज़्यादा, प्रेजिडेंट से भी ज़्यादा, क्योंकि शंघाई अर्थव्यवस्था का केंद्र है, तो मेयर के पास बहुत छूट है। मैं आपको क्युनमिंग का जो उदाहरण दे रहा था, क्युनमिंग में जो मेयर था उसने कहा कि भाई, और उनकी कंपटीशन होती है ना एक दूसरे के साथ कि मैं आगे बढ़ जाऊंगा, तो वो बहुत निर्णय लेते हैं, अपना अरेंजमेंट खुद कर सकते हैं। तो प्रशासकीय लेवल में ये फ़र्क है, शासकीय लेवल में वहाँ जो अभी जो चल रही है प्रथा वो थोड़ी गलत है, क्योंकि चीन में भी लोग नाखुश हैं, क्योंकि अभी ये प्रेजिडेंट शी जिनपिंग जो है इन्होंने आपके वो आजीवन राष्ट्रपति बना दिया है ना, तो उससे वहाँ के लोग भी दुखी हैं, दुखी तो नहीं डरे हुए हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है हो क्या रहा है कि कम्युनिस्ट कंट्री में कंट्रोल है जी। कि जो अपनी छवि दिखाना चाहते हैं दुनिया को, हाँ। मीडिया कंट्रोल तो है, हाँ। तो दुनिया को एक छवि दिखाते हैं, हाँ। आपने कहा टेक्निकल डेवलपमेंट हुई वो तो छुप नहीं सकती, लेकिन आम जनता की असली हालत क्या है? क्या वो दबे हुए रह रहे हैं, अच्छे घर हैं, अच्छा पैसे मिल रहे हैं, उसे खुश है? बहुत बड़ी सवाल, बड़ा सवाल है। मतलब देखिए समृद्ध मतलब समर्थ होने में या अमीर होने में और खुशहाल होने में कोई ऐसा रिलेशन नहीं है, ये तो सभी को पता है, पैसा भी बहुत दुख की जड़ है। तो ये इसमें मैं नहीं कह रहा हूँ कि चीन में सब खुश हैं,
ये बिल्कुल आपकी बात सही है कि दिल के अंदर से अगर आप पूछिए कि मतलब दिल्ली में जो बच्चे, मैं उस दिन मिर्जा को दिखा रहा था, 3-4 बच्चे थे, वो खेल रहे थे, अब नंगे पांव थे, पूरे गंदे, लेकिन पूरे दिल से खेल रहे थे, उनको इतनी खुशी हो रही थी। तो उसके उनके दिल की खुशी से नापने का तरीका कोई है नहीं है, और चीन में क्या खुशी है ये भी नापने की तरीका, लेकिन पता नहीं वहाँ रह के मुझे तो लगा कि वहाँ पर जो आम जनता है, खासकर जो नीचे के 20% लोग हैं, उनकी हालत यहाँ से अच्छी है। सर मैं किसी भी देश के बुनियादी ढांचे के विकास में लोकतंत्र होना चाहिए, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। मैंने कभी मुझे पूछा था कि भारत और चीन के बुनियादी ढांचे के विकास में जो प्राइवेटाइजेशन है वो कितना इम्पोर्टेंट रोल करता है, यहाँ भी और वहाँ पे? बहुत इम्पोर्टेंट रहा, वही मैं आपको बता रहा था, प्राइवेटाइजेशन भी, और बहुराष्ट्रीय कंपनी भी आई है, चाइना के जो जापान के निपॉन और निहॉन स्टील वगैरह आप देखेंगे वहाँ उनके नाम लिखे रहते हैं, जो सड़कें नहीं बन रही हैं वो बनवाते हैं, और सभी जगह होता है। हम लोग डैलस में रहते हैं, अमेरिका में जो मेन सड़क बनी वहाँ 635 उसका कॉन्ट्रैक्ट स्पेन को दिया गया था। सर मैं विवेक राय, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट अल्मोड़ा, मैं आपके अनुभव से सर जानना चाहता हूँ कि जनसंख्या पर नियंत्रण करके चीन ने डेवलपमेंट में अपने कितना योगदान पाया है, हमारे राष्ट्र में उसकी कितनी आवश्यकता है, राजनीतिक प्रतिबद्धता जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए चीन में कितनी दिखी है आपको, हमारे कंट्री में कितनी दिखती है, और किस तरीके से चल करके हम कंट्रोल करके अपनी जनसंख्या को अपने राष्ट्र में बुनियादी ढांचे में विकास कर सकते हैं, इस पे सर जरा सा आपका। हाँ नहीं, बहुत अच्छा सवाल है, दो चीज़ें हैं इसमें, एक तो आबादी बढ़ती आवाज, दूसरा आबादी का माइग्रेशन, जो गांव से शहर में लोग आ रहे हैं उससे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, क्योंकि आबादी तो 2-3% सालाना बढ़ती है, लेकिन 10% लोग अगर गांव से शहर में आ रहे हैं तो उससे और शहरों में प्रेशर बढ़ता है। लेकिन चीन ने अब मानना है लोगों का कि जो वन चाइल्ड पॉलिसी थी कि सिर्फ एक बच्चा हो सकता है, जो करीब 20 बरस तक उन्होंने फॉलो करी, अब वो मानते हैं कि वो ऐतिहासिक गलती थी। अब क्या हो गया वहाँ पे कि अब लोग दूसरा बच्चा पैदा करने की तैयारी नहीं है, उनकी आदत ही हो गई है। तिब्बत में जिस प्रकार से चाइना ने विकास किया है जी, जब हमारे कैलाश यात्री जाते हैं तो कंपेयर करके आते हैं कि तिब्बत में तकलाकोट हो गया और वहाँ की जो सड़कें हैं और हमारे यहाँ का बुनियादी ढांचा, दोनों में एक तो क्या अंतर है, और दूसरा चीन ने तिब्बत के उसमें क्या पॉलिसी अपनाई है कि वो क्या फिर भविष्य में उसको फ्रीडम देगा या नहीं? नहीं, आप देखिए बहुत इनके लिए बहुत मुश्किल आ रही है तिब्बत में, क्योंकि जैसे मैं बता रहा था कि लाख कोशिशों के बावजूद वहाँ बुद्धिज्म का जो इन्फ्लुएंस कोई कम नहीं हुआ है, दलाई लामा के लिए आदर बिल्कुल नहीं कम हुआ है, और बल्कि वो हान चाइनीज से घबराते हैं, कई एरिया में हान चाइनीज अब जाते ही नहीं डर के मारे, क्योंकि वहाँ तिब्बती लोग उनको अच्छा नहीं मानते जी। मैं डॉक्टर दुर्गापाल हूँ जी सर। हाँ लास्ट मैं जी सर लास्ट है, पहले हम ऐसा बोलते थे और हिंदुस्तान में एक परिपाटी थी कि हिंदी चीनी भाई भाई जी, ये बहुत अच्छा नारा था जी। लेकिन आज हम बॉर्डर पर बड़ा अपने को असुरक्षित मानते हैं, और आपने अभी अपने शब्दों में कहा मेड इन चाइना, मेड इन चाइना, मार्केट में हर चीज मिलती है जी। क्या चाइना में भी मेड इन इंडिया है? देखिए हिंदी चीनी जो है रिलेशन में, जैसा कि आपको बता रहा था कि अगर आप कुरेद के पूछें, सब चीनियों का भारत की ओर बहुत आदर भी है, और वो भी चाहते हैं कि जो मानवाधिकार यहाँ पे हैं, जिस तरह से चुनाव प्रणाली यहाँ की है वो वहाँ भी हो, वो उस पर कोई डाउट नहीं है। लेकिन उनका आज की जो हमारी अर्थव्यवस्था है और हमारे रहन सहन का जो स्तर है, इससे उनको उनका उतना आदर नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि वो आगे निकल गए हैं, ये सच्ची बात बता रहा हूँ आपको। तो जैसे मैं था वहाँ पे, हमें जितने रेडिट रिपोर्ट्स थे चीनी थे, बल्कि मैंने अपने जब मैं आ रहा था वापस तो मैंने एक चीनी महिला है वहाँ पे, बहुत ही बढ़िया एग्जीक्यूटिव, जो ही वाट नाम है उनका, उनको बना दिया वहाँ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो चीनी है, वो फुजियान प्रोविंस की रही हुई है, ठेठ चीनी। तो वो चाहते हैं कि इस तरह चीज़, आप पूछ रहे थे मेड इन इंडिया क्या है, वहाँ पर सारी पिक्चरें मेड इन इंडिया, जब दंगल के बाद में मतलब वहाँ पर क्या नाम है, आमिर खान तो बिल्कुल ही मतलब सबसे बड़े हीरो आमिर खान है अभी। बहुत अच्छा लगा सर आपकी बात जो आपने कहा, मुझे मेरा दो सवाल है। हाँ, माइक नहीं चला आपका, मुझे लगता है मेरी आवाज़ काफ़ी थी। तो किसी भी कंट्री में जो अच्छाई होती है तो उसके पीछे एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, तो चीन कैसे इसको देखता है? दूसरी चीज यूथ एम्पावरमेंट, तो मुझे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में लगता है कि शायद हमारे कंट्री में यूथ के लिए बहुत ज़्यादा कुछ प्लान नहीं है,
और ना हम बहुत ठोस तरीके से यूथ को एम्पावर भी कर पाते हैं डिफरेंट तरीके से। तो इसको कैसे देखते हैं जी? देखिए एजुकेशन पर उनका बहुत खर्चा भी बहुत है, मैं आंकड़े आपको अभी नहीं बता सकता, लेकिन आप आज सब चीज़ इंटरनेट पर मिलती है। एजुकेशन पर खर्चा चीन बहुत करती है और जो चीज़ें सिखाती है वो प्रैक्टिकल सिखाती है। एक बार हम लोग गए हुए थे वहाँ पे सिंजियांग में, एक कोई स्कूल में हम लोग को बुलाया गया था, तो विनीता भी थी वहाँ पे, मेरी बेटी सारा भी थी, तो हम लोग बच्चे तो वहाँ बच्चों को सिखा रही थी कि हाथ कैसे धोते हैं इतने डिटेल में, क्योंकि हाथ से बीमारी आती है। अब फ्री स्पीच की जहाँ तक बात है, आपका कहना बिल्कुल ठीक है और मैडम का कहना भी बिल्कुल ठीक है कि अगर फ्री स्पीच नहीं तो क्या फ़ायदा क्या कर लोगे अपने पैसे का ना। एक क्या वहाँ किसी तरह की लोगों को अपनी बात कहने का, अपनी बात सत्ता तक पहुँचाने की किसी तरह की छूट है कि नहीं? एक नंबर दो, जिस तरह हमारे देश में, हमारे देश में धार्मिक और जातीय संघर्ष बहुत उच्च लेवल पर है, उनकी वहाँ पर क्या स्थिति है? देखिए और क्या किसान आत्महत्या वहाँ भी करते हैं? अब सुना तो है मैंने, लेकिन वहाँ पे खबरें कंट्रोल हो जाती है तो पता नहीं चलता। तो वहाँ पे जो अन्याय होते हैं वो जरूर होते होंगे, उनकी वहाँ खबर इतनी है नहीं। जो आप कह रहे हैं खुली छूट तो नहीं है वहाँ पे, खुली छूट इस तरह से है कि मान लीजिए आपकी शहर में पानी गंदा है या बिजली ठीक नहीं आ रही, तो आप बड़ी जोर से कंप्लेन कर सकते हैं और वो लोग सुनेंगे भी, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ आप एक लफ्ज भी नहीं बोल सकते। लेकिन मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग डिबेट है ये, है ना, कि दो देश अगल बगल में हजारों साल से लगभग बराबर, एक को पूरी प्रेरणा भारत से मिली और पिछले 20 बरस में आगे निकल गया, तो उसको अगर हम देखें और कुछ सीखें समझें तो सभी का फायदा। मिकी के की बात, उनकी बातों को सुनकर उनके प्रश्नोत्तर से हम लोग को कुछ सोचने और आगे का करने का मार्गदर्शन और बहुत कुछ दिमागी को जरा क्या कहें खटखटाया है या इसलिए पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय निकाल कर यहाँ अल्मोड़ा आए और आज मौसम भी सुहावना हो गया, तो मैं इसे बहुत बहुत धन्यवाद।